इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। नागपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, घटना के बाद वो खुद ही थाने पहुंच गया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना नागपुर के कलमना थाना क्षेत्र की है, जहां पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से उसकी हत्या कर दी। पति ने बेरहमी से पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतका ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। बस यही बात आरोपी अमर भारद्वाज को पसंद नहीं थी। अमर को लगता था कि पार्लर की आड़ में उसकी पत्नी दूसरे पुरुषों से मिलती जुलती है। इसी शक की वजह से वो अपनी पत्नी से पार्लर में काम करने से मना करता था। वहीं इस चक्कर में आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते थे। यही वजह है कि इन झगड़ों के तंग आकर दोनों अलग अलग रहने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद दोनों के रिश्तों में तनाव कम नहीं हो रहा था। अमर का शक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में एक दिन घर में प्लम्बर बुलाने को लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। अमर की पत्नी घर में मरम्मत के लिए प्लम्बर को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार मृतका ने पुलिस से शिकायत कर दी। बस ये बात पता चलते ही अमर बौखला गया। गुस्से में उसने अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़ा दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अमर को गिरफ्तार कर लिया है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।